तुम्हें खुद अपने बारे में कुछ सोचना चाहिए और ये स्त्री मुझे देनी चाहिए ताकि मैं सुबह कॉलेज की तैयारी कर सकूं। हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद ही कोई रास्ता बनाना पड़ेगा, वरना मैं तो अपनी जिंदगी इसी तरह तैयारी में गुजार दूंगा। अब मुझे ये सोचना है कि मैं उससे हेलो हाय कैसे शुरू करूं। आइडिया। अब सुबह ही इस आइडिया पर काम शुरू कर देता हूं। आज अगर एक खूबसूरत लड़की उनके साथ बैठ गई तो दिन बन जाए। अगर आज कोई अच्छी सी लड़की मेरे साथ बैठ जाए तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। आज 7 तारीख है और मेरा लकी नंबर भी 7 है। इतने सालों बाद आज काश कोई लड़की मेरे पास आके बैठ जाए। आसिफ और इब्राहिम के बच्चे ने हमें उठाया ही नहीं। आज तो मुझे लेट होना ही नहीं था। इनको तो मैं बाद में पूछूंगा, अभी मैं अली को उठा के लाता हूं।
Hi. How are you? I'm fine. जी मैंने अपनी चीजें आपके लॉकर में रखवाई थी वो दे देंगे प्लीज Why not sure. Thank you. You're welcome. Thank you. Hello. Hi. क्या हाल है क्या हो रहा काम ये काम नहीं और क्या काम हो रहा कुछ नहीं क्वेश्चन के साइमेंट को बात कॉल करने को दिल्ली में जाता ये तो है ना मैं पेंटिंग में जो लूंगा ना सारा वक्त लैंडस्केप ही बनाता रहूंगा क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ तुम क्या देख रहे हो अपना मुस्तकबिल तारीख हाँ वाकई अगर इसी तरह दूसरी क्लास के लड़के हमारी क्लास की लड़कियों के साथ दोस्तियाँ बढ़ाने शुरू हो गए तो हमारा मुस्तकबिल तारीख ही है देख कैसे हंस-हंस की बातें करें नहीं मैं ना कैसी जिंदगी गुजार नहीं सकता मैं भी नहीं गुजार सकता मुझे कुछ करना पड़ेगा मुझे भी कुछ करना पड़ेगा चल फिर कहाँ चल के जाके बैठते हैं सर चल तुम्हारी हाँ क्या बात तुम्हारी कैसे हो सकती है क्या बात नहीं नहीं तुम्हारी मेरे ख्याल में अब कैंटीन चलना चाहिए चलो जी गैलरी में एग्जीबिशन देखने जा रहा हूँ ओह ये अपने लॉकर की चाबियाँ जरा मुझे दे दो ताकि मैं अपना बैग निकाल लूँ मैं अंदर ही खड़ा हूँ मुझे वापस कर दीजिएगा तू फिकर ही ना कर जिगर board in your locker sure but but what apne butt sahab ki baat kar rahe hain I have the keys for my locker right now and where are the keys right now wo ek senior ke paas hain kaun sa senior wo jinka lamba sa muh hai aur apne aap ko model kehte hain usman rupat model uski baat kar raha hai ha to ye mera masla nahi hai jao usko dhoondo usse chabi lo aur locker mein dal dena chalo hum exhibition dekhte hain किसकी एग्जीबिशन है किसी आफ्रिकन स्टूडेंट की है यार तुझे पक्का यकीन है कि वो लोग इधर से ही गुजरेंगे ओए हाँ यार पक्का यकीन है ना पिछले दो घंटे से तू ये कह रहा है मेरी तो कमर में दर्द होनी शुरू हो गई है यार तू एक बात नहीं समझ रहा इस वक्त अली जफर पे पानी पड़ना बहुत जरूरी है सोच सबके सामने जब उस पर पानी पड़ेगा तो उसकी कितनी बेइज्जती होगी वो तो ठीक है लेकिन मैं और तू फर्स्ट ईयर में अगर किसी ने पानी फेंकते हुए देख ले तो ओ यार यहाँ कौन देखेगा यार देख मेहरबान है नहीं यार छोड़ छोड़ वो आ रहे वो आ रहे वाओ अब बशीर भी बोलिंग करेगी वो भी टीचर्स के साथ Thank you.
सीना पे उस्मान को देख। नहीं एंड हो गया यार, डेथ हो गई। क्या हो गया? वो फसीर के दो बलूंगड़े नहीं है अली और इब्राहिम, उन्होंने सर नईम को पानी दे मारा है। हैं? नहीं कब? ही थोड़ी देर पहले। तुम्हें कैसे पता चला? मैंने ही तो उनको पकड़ाया। वेरी बैड, क्यों पकड़वाया बेचारों को? यार अगर मैं उनको ना फंसवाता ना तो खुद फंस जाता, सर नईम ने देख लिया था। पर उन्होंने ऐसी हरकत करने की हिम्मत की कैसे? और क्यों? और मिस्टर इब्राहिम, आपको याद है कि उस दिन आप मेरे कमरे में आए थे रोते हुए कि मैंने फूलिंग की सीनियर्स को इजाजत दी है। अब क्या हुआ है? वो मैडम मैं तो कुछ नहीं। और मिस्टर इब्राहिम, आपको याद है कि उस दिन आप मेरे कमरे में आए थे रोते हुए कि मैंने फूलिंग की सीनियर्स को इजाजत दी है। अब क्या हुआ है? वो मैडम मैं तो कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं तो आपकी इस जुर्रत की दाद देती हूँ कि इतना बुरा काम करने के बाद भी आप में ये हिम्मत है कि आप जुबान खोल सकते हैं। और आप मिस्टर अली? सॉरी मैडम। सॉरी? सॉरी, सॉरी इज नॉट गुड इनफ फॉर व्हाट यू हैव डन। मैं आज ही आप दोनों को कॉलेज से निकाल रही हूं। मैडम अगर आपने हमें कॉलेज से निकाल दिया तो हमारे घर वाले हमें घर से निकाल देंगे। ठीक है, मैं एक सूरत में आपको माफ कर सकती हूँ और इस कॉलेज में रहने की इजाजत दे सकती हूँ, अगर नईम साहब आपको माफ करते हैं। सर माफ करें सर, प्लीज माफ कर देना सर। मुझे आप लोगों को माफ करने में कोई इतराज नहीं, लेकिन एक सूरत है कि आप दोनों आइंदा इस किस्म की कोई हरकत नहीं करेंगे। नहीं करेंगे सर, हम आला करते हैं। मेरे ख्याल मैडम आप प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। ओके, आप कॉलेज में रह सकते हैं मगर बी वेरी केयरफुल, देयर शुड नॉट बी एनी नेक्स्ट टाइम, समझ गए? बहुत एहतियात से रहेंगे आप। यू मे गो नाउ। बिल्कुल नहीं होगा मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू मैडम। चाबियां दी थी ना? इजी इजी मेरी जान, लॉकर की चाबियां चाहिए जी। तुम मरे क्यों जा रहे हो भाई? ये लो अपने लॉकर की चाबियां। इसलिए कि किसने कहा था कि अगर हम अली जफर के ऊपर पानी मारेंगे तो उसकी बेइज्जती होगी। बेइज्जती का आपने इचार डालना है भाई, तुम्हारा मकसद लड़की तक पहुंचना है ना कि कॉलेज से निकलना है। और लड़की तक पहुंचने के लिए टीचर पर पानी मारा नहीं करते। ओए, एक बात तो बताओ, तुम दोनों में से उस लड़की के चक्कर में है कौन? मैं। फिलहाल हमारा मकसद सिर्फ अली जफर को काटना है, आपस का फैसला तो हम कर ही लेंगे। बीच में से हटाना यानी के काटना, इसके लिए तुम्हें नीनी की मदद लेनी चाहिए। हाँ नीनी, नीनी इस काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट आदमी है। नीनी भाई वो पानी ये वाले? हाँ हाँ वही वही। तुम्हें पता नहीं नीनी से बड़ा कैंचीबाज आज तक पैदा ही नहीं हुआ। कैंचीबाज? ये कैंचीबाज क्या होता है? कैंचीबाज वो होता है, वो आदमी होता है कि जिसके एक हाथ में होती है कैंची और दूसरे हाथ में बाज होता है, बन गया कैंचीबाज। और जहाँ भी हंसते मुस्कुराते हुए दो लड़का लड़की नजर आए बीच में ठक से कैंची चलाते। तो क्या नीनी भाई अपने जमाने के सबसे बड़े कैंची बाज हैं? चंदा, नीनी भाई इस जमाने के भी बहुत बड़े कैंची बाज हैं। तुम्हारे इस मिशन में भी तुम्हें अली जफर, जफर का नाम डालें आप। अच्छा चलो, तुम्हारे इस मिशन में भी तुम्हें अली जफर और फिर से जफर का नाम लिया। जफर तेरी छेड़ है क्या? चलो तुम
हमारे इस मिशन में भी तुम्हें अली और उस लड़की के बीच में कैंची चलानी है ना, तो नीनी से ज्यादा परफेक्ट मशवरा तुम्हें कोई दे ही नहीं सकता। नीनी का रूम नंबर क्या है? 201। Get into musty with close-up collars. जी मैं वो इब्राहिम और अली। कौन इब्राहिम और अली? हम फर्स्ट ईयर में हैं। अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला है। हाँ बोलो, क्या काम है? वो हमें अंजुम भाई ने भेजा है। कौन अंजुम? और थर्ड ईयर वाले होगा भाई, मसला क्या है? ऐशी करो बाकी फेरो तुम्हारे पास है मतलब रुपए। लो कल फिर इस टाइम आ जाना, ठीक है? अच्छा, तुम्हारी उस लड़की से वाकफियत है? हाँ थोड़ी बहुत। हम रोजाना उसे सलाम करते हैं, मगर वो कभी सलाम का जवाब नहीं कभी देती। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये काफी है। अब तुमने करना असल में ये है कि उस लड़की और अली जफर के बीच में खींची चलानी। लॉकर में रखवाना है? नहीं, मुझे थोड़ी देर बाद जरूरत पड़ेगी। वो मेरी 10 बजे हिस्ट्री हेरिटेज की असाइनमेंट है, वो मेरी असाइनमेंट की लॉकर में पड़ी है। तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी भाई, तुम बेसमेंट में होगे ना? जी हाँ, तो आई विल सी यू लेटर। हेलो हेलो, वो अली किधर है? कौन सा अली? वही अली जफर। मुझे आता क्लास में होगा। अच्छा, वो तो कह रहा था कि वो आपके साथ कैंटीन में होगा। पता नहीं आज आपने उसको कैंटीन लेके जाना था, बड़ी जिद कर रही थी आप, और वो पता नहीं क्या क्या। मैंने तो कुछ नहीं कहा उसको। हैं? उसको फिर झूठ बोलने की जरूरत क्या है, वो भी पूरे बॉस हॉस्टल के सामने। शायद किसी और के बारे में कह रहा था। नहीं नहीं, के बारे में कह रहा था, और पता नहीं क्या कह रहा था कि पता नहीं। छोड़ो यार, नाराज होने की इसमें क्या बात है, बच्चा है, गलती हो ही जाती है। आपको मालूम है असाइनमेंट के 100 मार्क्स? जी सर। और फिर भी आपने असाइनमेंट लॉकर में रखकर चाबी किसी सीनियर को दे दी। आपको पता है असाइनमेंट सबमिट ना कराकर आप फेल भी हो सकते हैं। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आपने इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया कैसे। अगर असाइनमेंट लेट हो ही गई थी, आप मुझे बात कर सकते थे, फोन कर सकते थे, लेकिन कहाँ जा रहे हैं आप? क्यों? ओए क्यों बोलते हैं? ला इधर से चाबी। चाबी चाहिए? फोन
तुम्हारा नाम उमर है? हाँ। Can you put this board in your locker? क्यों? क्या मतलब है क्यों? But why? अपने बटशॉप की बात कर रहा है। लॉकर में बोर्ड रखवाओगे? चाबी भी चाहिए। और तुम? नहीं नहीं मैं तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें भी चाबी चाहिए? सबको मार दूंगा आज मैं। और तुमने भी कुछ रखवाना है क्या? खैर आपका मैं पिछला रिकॉर्ड देखते हुए आपको एक मौका और देता हूँ। आप जाइए उस लड़की को ढूंढिए और चाबी लेकर 1 बजे तक आप मुझे असाइनमेंट जमा कराइए। और अगर आपने जमा नहीं कराई असाइनमेंट तो आप फेल हैं। जाइए। लीना, मेरी बात तो सुनो। नहीं। दीना 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 रुको एक सेकंड, सिर्फ एक दफा मेरी बात सुनो। अगर फिर भी तुम्हें यकीन ना आया तो कभी ना सुनना। वैसे नीनी भाई आपकी जो तरकीब है ना वो सही जबरदस्त रही है। अब वो लड़की उसकी शक्ल भी नहीं देख सकती मैं चाहती। देखो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये उन लोगों ने किया, ठीक है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। I'm just here with you, that's all. Excuse me, माफ कर दो। चलिए, चलिए। नीनी भाई वैसे अब है चैंपियन। वो तो मैं हूँ। यार, अब एक लड़की आपसे नहीं बात करना चाह रही, तो खामखा चिपको तो ना, छोड़ दो। तो फिर लीना कैंटीन चले? Why not? आपकी इन्फॉर्मेशन का थैंक्स। यार वैसे ना नीनी भाई ठीक कहते थे, अब वो लड़की कभी बात नहीं करेगी। अली जफर से नहीं, हमसे। यार उमर जी, बाबा ये बोर्ड अपने लॉकर में रख ले यार। तारिक तुम्हारे पास लॉकर नहीं है? नहीं यार। फिर तो तुम्हें बहुत परेशानी होती होगी। हाँ। कोई बात नहीं, मेरा लॉकर ले लो। बस एक काम करना, एक मेरा बोर्ड लॉकर में रख लिया करना। अरे वाकई? हाँ यार, तुम मेरे इतने पुराने दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकता। कोई नहीं, ये लो। शुक्रिया उमर भाई। एक्सक्यूज मी, आपके पास लॉकर होगा?